ज्यादातर स्टार्टअप्स आखिर फेल क्यों होते हैं? स्टार्टअप्स को फेलियर से कैसे बचा सकते हैं? वो क्या कॉमन गलतियां हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और कैसे हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए फेलियर से बचा के और एक स्टेबल बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई स्टार्टअप्स के बारे में सोच रहे हैं या तो आप ऑलरेडी कुछ स्टार्टअप कर चुके हैं, तो ये सारी चीजों को जानने के लिए इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ मधुमिता गोस्वामी, बिजनेस कोच, और स्वागत है आपको इस वीडियो में। बिजनेस एक बहुत बड़ी चीज है, हर एक इंसान बिजनेस करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और इंडिया में हर साल हजारों बिजनेस स्टार्टअप्स होते हैं और हजारों बिजनेस स्टार्टअप्स वाइंड अप भी हो जाते हैं। कभी कभी एक साल छह महीना या तो मैक्सिमम से मैक्सिमम दो साल के अंदर स्टार्टअप्स वाइंड अप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। वो क्या कॉमन गलतियां हैं जो लोग करते हैं और बिजनेस स्टार्टअप को बंद करना पड़ता है, वो कॉमन गलतियों के बारे में हम जानेंगे। आज मैं आपको तीन मेजर पॉइंट्स के बारे में बताने जा रही हूँ, तीन मेजर वो पॉइंट्स जिनको आपको सुधारना है, वो गलतियां आपको नहीं करना है, और उनको मॉडिफाई करके मॉडिफाइड वर्जन के साथ आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ताकि बिजनेस में आपकी तरक्की हो, आपकी स्टार्टअप आगे बढ़े और आपको अपने बिजनेस को बंद ना करना पड़े। फर्स्ट पॉइंट, हमारे अंदर एक मिथ है। हम सोचते हैं कि बिजनेस में बहुत सारे पैसों की जरूरत है। एक बड़े कैपिटल के साथ अगर हम बिजनेस शुरू करते हैं, स्टार्टअप को शुरू करते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और पैन इंडिया लेवल पे बहुत अच्छी तरह से बिजनेस कर सकते हैं। बट ये सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ, कैपिटल के साथ बिजनेस शुरू करेंगे, स्टार्टअप शुरू करेंगे, चाहे वो कोई भी सेक्टर में हो, तो आप बहुत प्रेशर में आ जाएंगे। हो सकता है वो सारा इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है, वो सारा कैपिटल आपके पास ऑलरेडी मौजूद नहीं है, आपने किसी इन्वेस्टर से लोन लिया है, या तो आपने किसी बैंक से लोन लिया है, या तो कहीं और से आपने ब्याज में पैसा लिया और उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इनिशियली अपने स्टार्टअप में। आपको पता नहीं आपका स्टार्टअप कहाँ तक जाने वाला है, कैसे आप क्या करने वाले हैं, और शुरुआत में ही अगर आपने बहुत सारा पैसा लगा दिया बिजनेस में, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, दूसरे स्ट्रेटजी में, तो क्या होगा, आप बहुत प्रेशर में आ जाएंगे, आप डेप्थ में आ जाएंगे, उधारी में आ जाएंगे। आपको एंड ऑफ द मंथ हमेशा एक प्रेशर रहेगा कि आपको इतना सारा पैसा आगे जमा करना है, आगे देना है, और आपकी जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के चक्कर में भी आप और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते रह जाएंगे और हमेशा डेप्थ में ही घुसते चले जाएंगे। कभी आपका प्रॉफिट उस लेवल पर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा कि आप एक प्रेशरलेस एक अच्छी तरह से बिजनेस कर पाए। तो इस तरह से क्या होगा, आप हमेशा डेप्थ में घुसते जाएंगे और जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है उससे आपका गुजारा भी नहीं होगा, और ना आगे आपने जो लोन लिया है उसको आप अच्छे से चुका पाएंगे, और ना आपकी जो टीम है, आपके जो एम्प्लॉइज है, उनके साथ आप अच्छे से रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे, जो फाइनेंशियल रिलेशन है, जो आगे चल के आपके बिजनेस को बहुत जल्द बंद करने के कगार में खड़ा कर देगा। तो हमें क्या करना है, हमें लो इन्वेस्टमेंट में हमेशा बिजनेस को शुरू करना है, ताकि हम लो इन्वेस्टमेंट पे इनिशियली शुरुआत करें और जब प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आते रहें तब उस प्रॉफिट को यूटिलाइज करके हम अपने बिजनेस को स्प्रेड आउट करें और बड़ा करें और आगे बढ़े। सेकंड पॉइंट, जो गलती हम करते हैं इसको हमें सुधारना है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिए। हम जो एम्प्लॉइज को हायर करते हैं, हम उनको जनरली सैलरी बेसिस पे हायर करते हैं। हमें लगता है कि हम सैलरी बेसिस पे हायर करेंगे तो एम्प्लॉइज हमारे साथ ज़्यादा लॉयल रहेंगे, हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और हमारे बिजनेस को, हमारे स्टार्टअप को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने में हमें मदद करेंगे। बट ये गलत है। अगर हम एक इंसान को फ्रीलांसिंग बेसिस पे हायर करते तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने टीम में हायर कर सकते हैं, जहाँ पे एक इंसान को अगर हम सैलरी बेसिस पे हायर करते हैं, वहाँ पे हम दो तीन चार लोगों को भी फ्रीलांसिंग बेसिस पे हायर कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम फ्रीलांसिंग बेसिस पे जहाँ पे हायर कर रहे हैं वहाँ पे हमें सैलरी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना है। सैलरी की जिम्मेदारी नहीं होगा तो हम फ्री फ्रैंक तरीके से और खुले मन से उनको ज़्यादा से ज़्यादा हायर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट पे आउट में हम काम कर सकते हैं। अगर वो हमें प्रोजेक्ट डिलीवरी करते हैं, काम को अच्छे से वो डिलीवर कर पाते हैं, तो हमें उनको पे करना होता है, और अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हमें पे करने की जिम्मेदारी लेने की ही ज़रूरत नहीं है। उसी जगह पे अगर आप सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी पे आप किसी को अगर हायर कर रहे हैं तो
हायर कर रहे हैं उसके नेक्स्ट डे से या उसी दिन से आपके अंदर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, आपके ऊपर एक प्रेशर आ रहा है कि उनका सैलरी आपको एंड ऑफ द मंथ देना है, और उस तरह से प्रेशर क्रिएट होने की वजह से आप उनके साथ लॉयली बिजनेस नहीं कर सकते, लॉयली डील नहीं कर सकते। और वो भी कहीं ना कहीं होता है कि आप 100% वो अपना हमारे कंपनी के लिए, हमारे स्टार्टअप के लिए नहीं देते हैं, और उस तरह से हमारे बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता है। बट अगर आप एक फ्रीलांसर बेसिस पे एक एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं तो वो आपके साथ लॉयल रहेंगे, लॉन्ग टाइम तक आप उनको एक्वायर कर सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं और अपने काम को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। आप जब फ्रीलांसिंग बेसिस पे एक इंसान को, एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो वहाँ पे विन विन सिचुएशन क्रिएट होता है। विन विन सिचुएशन क्या है कि आप भी फायदे पे रहते हैं और जो एम्प्लॉय है जिनको आपने हायर किया है वो भी फायदे में रहते हैं, और इस तरह से आप दोनों की रिलेशन जो है, ओनर और एम्प्लॉय का रिलेशन, वो बहुत आगे तक जाता है। आप लोग बहुत आगे तक तरक्की कर सकते हैं, दोनों मिलके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको भी फायदा होगा फाइनेंशियली और करियर भी उनका सेट होगा और आपकी भी बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगी, आप भी बहुत आगे जा सकते हैं। बार बार एम्प्लॉय को हायर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, एक ही एम्प्लॉय के साथ लॉन्ग टर्म की गोल सेट कर सकते हैं आप, और इस तरह से आपके बिजनेस बहुत आगे लेके जा सकते हैं, बहुत तरक्की कर सकते हैं, एक स्टेबल बिजनेस पे अपने स्टार्टअप को कन्वर्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। थर्ड गलती जो हर एक इंसान करता है, ज़्यादातर लोग वही गलती करते हैं और ये गलती हर एक स्टार्टअप को वाइंड अप होने में, बंद होने के लिए सफिशियंट एक रीज़न बन जाता है। हमारे में एक मिथ है, एक देखा देखी बिजनेस करने की बहुत आदत है। बहुत सारे लोगों के कोई बिजनेस बैकग्राउंड भी नहीं रहता है और कोई पेशेंट भी नहीं रहता है बिजनेस करने का, बट वो बिजनेस शुरुआत क्यों कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो देखा देखी बिजनेस करेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। एक इंसान को अगर वो देखते हैं, सपोज वो स्टार्टअप कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट की बिजनेस उसने शुरू किया है और वो बहुत आगे निकल गया, एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट हो गया, तो उनको भी लगता है कि हमें भी एक बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए, उस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में बहुत पैसा है, बहुत सक्सेस है, बहुत नाम है। बट बिजनेस के अंदर बहुत स्ट्रगल भी है और उस स्ट्रगल के अंदर वही इंसान टिक सकता है जो इंसान के अंदर पेशन है और उस कंसिस्टेंसी में काम करने का, पेशेंसी के साथ काम करने का, आगे बढ़ने का जुनून है। अगर आपके अंदर बिजनेस का जुनून नहीं है, अगर आपके खून में बिजनेस नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, और अगर आप बिजनेस को अडॉप्ट नहीं कर सकते, नई नई क्रिएटिविटी आइडियाज़ पर आप काम नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, प्लानिंग नहीं कर सकते, तो आप बिजनेस के लिए नहीं बने हैं। देखा देखी बिजनेस कभी भी मत करिए, देखा देखी बिजनेस में सिर्फ बर्बादी होता है, वहाँ पे कोई आबादी नहीं है। अगर आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बहुत पैसा कमाना है, तो आपके अंदर वो जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। जुनून होगा तो आप कोई भी सिचुएशन को हैंडल करके आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारा सक्सेस कमा सकते हैं। तो कभी भी हमें देखा देखी बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर हमारे अंदर वो स्किल्स है तो हमें अपने स्किल्स को यूटिलाइज करना चाहिए, और अगर स्किल्स नहीं है तो जहाँ पे स्किल्स है वहाँ पे हमें उसे काम पे लगाना चाहिए। हर एक इंसान बिजनेस के लिए नहीं बना है, तो देखा देखी बिजनेस कभी भी मत करिए, ये गलती आप मत करिए, नहीं तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा, टाइम भी बर्बाद होगा और करियर भी बर्बाद होगा। अगर आपके अंदर बिजनेस की स्किल्स नहीं है, आपके खून में बिजनेस नहीं है, फिर भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो मेरी एक सजेशन है, इस सजेशन को आप काम पे लगा सकते हैं। आप जिस भी इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहते हैं, पहले वहाँ पे आप 3 साल के लिए रिसर्चमेंट करिए, वहाँ पे जॉब करिए, हर एक गुत्थी को समझिए, उस बिजनेस के अंदर क्या क्या गुत्थी है जिसको आपको काम पे लगाना है, क्या गलती आपको नहीं करना है, कैसे आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है, वो सारी चीज़ें वहाँ से पहले सीखिए। एटलीस्ट मिनिमम 3 साल के लिए सीखना शुरू करिए, सीखना कंप्लीट होने के बाद आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ उस सेक्टर में, पर्टिकुलर सेक्टर में अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उस इंडस्ट्री में और आप उस इंडस्ट्री में टिक सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और बिजनेस करने के बाद, स्टार्टअप शुरू करने के बाद उसको बंद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसको आप स्टेबल बिजनेस तक कन्वर्ट करने तक आगे बढ़ सकते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको 3 मेजर गलतियां बताया, क्या गलतियां आपको नहीं करना है,
और एक सजेशन भी दिया आपको, आप ये सारी चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे आपकी बिजनेस लाइफ बहुत अच्छा होगा, आप बिजनेस में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप बिजनेस रिलेटेड और सोशल मुद्दे रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके मन में इस वीडियो को रिलेटेड कोई सजेशन है, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताने के लिए इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।